हाय फ्रेंड्स, मैं दिग्गज सिंह चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल रनिंग फिटनेस क्लब नीमच में आप सभी का स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या मध्य प्रदेश संविदा शिक्षक वर्ग भर्ती टीम की जो आपत्तियां हैं कि आपत्ति लगाने की डेट बढ़ चुकी हैं और किस प्रकार से आप चेक करें कि आपत्ति, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आप सर्च कीजिए MPPEB और ये सर्च करते ही आपके पास सर्चिंग चल रहा है। सर्च करते ही ऑप्शन आ गया, PEB के साइट पर चले गए हम, प्रोफेशनल एग्ज़ाम साइट पर, और इस पर क्लिक किया। अब या तो हिंदी ले लो, इंग्लिश ले लो, इंग्लिश ले लिया मैंने ये, ठीक है। इंग्लिश लेने के बाद यहाँ पर आएगा ऑनलाइन ऑब्जेक्शन प्राइमरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2020 पे आप क्लिक कीजिए। उसके बाद ऊपर ऊपर आपका खुल के आ जाएगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्शन 2021-20, उस पर आप 2021 रिक्वायरमेंट टेस्ट ऊपर ऊपर क्लिक कीजिए। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है लास्ट डेट टिल 3 अप्रैल 2022 तक आप आपत्ति लगा सकते हो, और अभी तक कितनी भी कितनी आपत्तियाँ लग चुकी हैं आप मुझे बताइएगा इस के कमेंट बॉक्स में कि आपके पेपर में एग्ज़ाम डेट शिफ्ट और कितनी आपत्ति लग चुकी हैं ये बताइएगा। और ये भी बताइएगा अगर CDP में कितनी लगी, लैंग्वेज वन में हिंदी इंग्लिश उर्दू में कितनी लगी, लैंग्वेज टू में कितनी लगी हैं, मैथमेटिक्स में कितनी आपत्ति लगी हैं, और EVS में किस प्रकार कितनी आपत्ति लगी हैं, अलग अलग ये भी नोट कीजिएगा आप, ठीक है। उससे पूरा अपने पास डाटा रहेगा कि किस सब्जेक्ट में ज़्यादा आपत्तियाँ लगी हैं, किस पोर्शन में ज़्यादा आपत्तियाँ लगी हैं, और आप सब कमेंट जरूर कीजिएगा भैया, भाई और बहनों, ठीक है। कमेंट से पता चल जाएगा सबको, सबके सामने कमेंट रहेगी, तो बताना जरूर कि CDB में इतनी आपत्ति लगी हैं, EVS में इतनी लगी हैं, इन्वायरमेंट स्टडी में, मैथमेटिक्स में इतनी लगी हैं, लैंग्वेज वन जो भी आपका था, लैंग्वेज टू जो भी आपकी थी, उसमें सब में चेक करके बताना कि यार इतनी इतनी आपत्ति लग चुकी है, ठीक है। पोर्शन वाइज बता देना, पाँचों पोर्शन में कितनी आपत्ति लगी है, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर जरूर करना। सब्सक्राइब करने से जो भी वीडियो अपलोड होता है तुरंत प्रभाव से आपके पास सामने पेश हो जाएगा। आपका अपना मित्र दिग्गज सिंह चौहान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।